फंक्शन जो है अब कॉन्सल्स के जो फंक्शन है ये बाप के सामने है ठीक। क्योंकि अब देखे एक बात जहन में जो होती है ना मोटी मोटी बुलेट्स में चीजें जो अपनी जहन में बिठाने वाले कि मुकामी सतह के जितने काम है, मुकामी सतह के जितने भी मामला है, आई मैडम मुकामी सतह के जितने मामला है, जितने काम है वो सारे ये जो मुकामी काउंसिल्स है ना इन्होंने देखने हैं ठीक है। अब यूसी के सतह के ऊपर, यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो हमने कल एक नाम दिया बात की थी ना कि वो फिर एक मजीद एक काउंसिल बनाते हैं, जिस तरह हमने उसको उस तरह से लिया था कि जिस तरह एक काबीना बनाई जाती है ठीक है, तो वो हमारी कम्युनिटी काउंसिल है। शहर में कौन सी कम्युनिटी काउंसिल और दही इलाके में कौन सी बनेगी? पंचायत काउंसिल। ठीक हो गया। अच्छा अब आपको, अब ये जो काउंसिल का नाम है ना कम्युनिटी काउंसिल पंचायत काउंसिल, तो ये बकायदा इस नाम से पता हो, बजाय कि हम ये कहेंगे कि यूनियन काउंसिल आगे फिर अपना ग्रुप बनाती है या अपनी कोई कबीना बनाती है, ये लफ्ज हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस चीज पे बोर हो कि वो जो कबीना बनाई जाती है वो क्या होती है, वो एक्चुअल क्या है? कम्युनिटी काउंसिल। ठीक हो गया। अच्छा अब जी इनके फंक्शंस हैं, सबसे पहले ये जो इन्होंने क्या करना होता है कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो अदारे हैं ना उनके उनके जिम्मे भी तो काम है ना, जो उन्होंने उनको असिस्ट करना है हुकूमत चलाने में, तो उनके काम जो है उनके फंक्शन की मॉनिटरिंग करना ठीक है, ताकि अब और ये चेक एंड बैलेंस, ये ट्रांसपेरेंसी का हम बात करते हैं, शफाफियत एहतसाब, तो जब ये चेक एंड बैलेंस होगा मॉनिटरिंग होगी तभी ये चीजें जो है ना वो कायम हो जाएंगी। अच्छा एक दिन उन्हें मॉनिटरिंग करनी होती है, वो जो सरकारी जो अदारे होते हैं ऑफिसर्स होते हैं जो यूनियन काउंसिल के एरिया में जो उनके रोल प्ले कर रहे होते हैं उनके काम की है, उनके कामों की मॉनिटरिंग। उसके बाद वही वाली बात, अच्छा बर्थ रजिस्ट्रेशन ये बड़ा मेन अहम काम है इनके यूसी के जिम्मे। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर विलेज लेवल डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट के काम इनके इन्होंने देखने हैं ठीक हो गया। फिर उसके बाद वही आप जो आपने लिखा, आप देखें जो जो कुछ आपने लिखा वो सारा कुछ इधर है, इम्प्रूव्ड वाटर सैनिटेशन सिस्टम ड्रेन सिस्टम ये सारा। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेन, वो जिस तरह आपने सड़कें रोड्स वो फुटपाथ ट्रैक्स गलियां इनक्रोचमेंट का खात्मा ठीक है, और उसके बाद वो क्या है पब्लिक स्ट्रीट्स पार्क्स इनकी रेनोवेशन वगैरह करवाना, ये सारी इनकी जिम्मेदारी। अगली बात आपने जो लिखी मेंटेन एंड इम्प्रूव कलेक्टिव, अच्छा कलेक्टिव जो प्रॉपर्टी है ठीक है, जो इंक्लूडिंग प्ले वो प्ले ग्राउंड ग्रेवयार्ड जहाँ जनाजा गाह होती है ईदगाह, ये सारी है ना सरकारी हाँ जी वो अमारात है ठीक है, तो ये हाँ इनकी जी मेंटेनेंस करना, म्युनिसिपल इनकी कॉर्पोरेशन में केयर है। करना ये। अच्छा फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, फिर वही बात आइडेंटिफिकेशन करना, डेवलपमेंट नीड्स कम्युनिटी नीड्स देखना, और उन कम्युनिटी जो नीड्स हैं जो उन कम्युनिटी में क्या है रिक्वायर्ड है, प्रायोरिटी तरजीहाती बुनियादों पे कि अपनी उन जरूरियात को तरजीहाती बुनियादों पे उन्होंने आइडेंटिफाई करना, तो फिर उनके लिए आगे फिर तरक्याती स्कीमें वगैरह जो है ना वो बनाना एरिया की। अच्छा अब वो उनकी नीड देखना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में उनकी क्या प्रायोरिटीज है, वो प्रायोरिटी वाइज उनको देखना और उनके लिए डेवलपमेंट के आगे वो जो तरक्याती प्लान बनाते हैं, फिर बजट बना, फिर वो सारी इंप्रूवमेंट वो सारा किया। अच्छा उसके बाद डेवलपमेंट साइट्स डेवलप करते हैं साइट फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग वो अपनी यूनियन काउंसिल के सतह पे। फिर वो जो सिर्फ यहाँ तक बात ही रह जाती है, अब जो मुआशी मंडियां वगैरह वो लगती हैं वहां पे उनके मुआशियों के लिए वो उनके लिए चारा चारा कहाँ लगाया जाएगा कहाँ से आएगा, ये सारे मामला इन्होंने देखने होते हैं। फिर उसके बाद वो जो बात आप बार बड़ा अच्छा मुझे लगा कि सबसे पहले आपने लिखा अप्रूवल बजट की मंजूरी, कि ये बड़ा अहम काम है, इन चीजों पे आपका अप्रूवल होना लाजमी है, तो पता हो कि बजट कैसे बनना है, बजट का अप्रूवल और हमारा रोल उसमें क्या है ठीक है। तो बजट का अप्रूवल, प्रमोशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन विद इन द डिस्ट्रिक्ट ठीक है, जॉब वगैरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अच्छा आप देखें जैसे हमने सोशल वेलफेयर की कल हम बात करते हैं ना, सोशल वेलफेयर क्या होता है जो हवातीन के हवाले से अगर हम देखें, अब ये देखें उनके लिए जिस तरह वो दस्तकारी सेंटर्स बनाए जाते हैं, होते बिल्कुल ये होम्स वगैरह के झुलते हैं हैं बिल्कुल, तो जैसा नजार वगैरह, अब ये अंडर सोशल वेलफेयर है ठीक है, तो उन्होंने हाँ
देखिए वहां पे डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे होते हैं खवातीन को, मतलब उन स्किल डेवलपमेंट के, कि वो स्किल सीखे और अपना रोजगार कमाने के वो काबिल हो जाए। अच्छा फिर उसके बाद फिर फैसिलिटेशन इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट्स। तो जो सॉरी टू कट यू मिस राहिला और मैं, हम दो लोग हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट से दो चीजें सीखी हैं। अच्छा, राहिला ने स्टिचिंग का सीखा है, मैंने प्रोफेशनल कुकिंग 800 आवर्स की क्लासेस और इंटर्नशिप मैंने पीसी में उसकी की है। मैंने प्रोफेशनली ये दो चीजें इन्हीं जो रूम से हमने वहीं से की है। बड़ी हवा दे इस तरह की देखनी है वो मैंने सॉरी। अच्छा मैंने ये मतलब हमारे खुद पर्सनल ऑब्जर्वेशन हैं चीज की, मैंने खुद मतलब जिस जो सलून पे मेरा आना जाना है, तो अब वो खतून इतनी वो ग्रास रूट लेवल से उठी है, तो अब जब शादियों का सीजन होता है तो उसके पास तो अपनी शक्ल देखने के लिए टाइम नहीं होता, इतने उस वो आर्ट उसकी उसका हाथ जो कहते हैं ना हाथ पक्का हो जाना, वो इतना डिफरेंट वो करती है। तो अब क्या है, उसने भी समझदार से ये कॉस्मेटिक सीखा हुआ। अब बहुत सी हमारी खवातीन है शादीशुदा या अलाना करके बेवा हो जाती हैं, बहुत से मसाइल जिंदगियों में आ जाते हैं, या वैसे भी देखा जाए तो अपने इकोनॉमिकली खवातीन इस तरह की स्किल डेवलपमेंट करके वो बहुत सा अपने वो बाख्तियार हो चुकी हुई हैं। इस मैंने लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड की जो फार्मास्यूटिकल है वहाँ चाइनीज आए थे, मैंने 1.5 महीना उनके साथ किया, उनका मेन्यू बजटिंग कॉस्टिंग सब करके मैंने पूरा 1,00,000 रुपया उनको चार्ज किया। अच्छा। और मैंने सारा मेन्यू और उसको मैंने सुपरवाइज किया सारा। जबरदस्त देखो ना, मतलब और देखो सारे रोल आप लोग खुद प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, बस थोड़ी सी हिम्मत करने की बात है, अपने आप को बूस्टअप करने की बात है, समझने की बात है अपने, और ये आप जहनों से निकाल दें। अच्छा एक बात होती है ना, मैं इस पे बड़ा क्योंकि मुझे समझ आ गई है, पहले मुझे नहीं पता होता था, वो कहते ना माँ खतून तो मर्दाना हुआ, आप तो मर्दों की तरह, वो अक्सर मतलब साथी भी कह रहे थे जी तुम ये तो मर्दों की तरह ये खवातीन काम कर रही है, ये काम तुमने मर्द मतलब इससे कुछ भी क्यों दी जाती है मर्दाना, कि जी मर्द बहुत ताकतवर है, फिर वही बात कि ये कोई खिलाफ बात नहीं है, एक खवातीन की बात है, तो क्या खातून खातून ताकतवर नहीं है। इन्होंने जैसे बात की कि जब एक खातून एक मतलब एक नई किसी को नई जिंदगी दे सकती है, जब वो उसकी वजह पैदा कर सकती है, तो वो क्या नहीं कर सकती, खातून भी उतनी ही मजबूत है, उतनी ही उसमें हिम्मत आकर, लेकिन वो इनरली बड़ी मजबूत है, ये बात है। तो कुछ चीजें फितरी है हमारी कि थोड़ी सी सेंसिटिवनेस खवातीन में ज्यादा, वो जो थोड़ा सा वो जो रोना छोना हमें आ जाना है, तो इधर से अब ये दो चीजें परसीव होती हैं, चले अगले को वो दर्द भी आ जाना, और दूसरा ये कि वो जो हमारा रोना है ना हमें थोड़ा सा कमजोर कर देता है, अब हम तो बात यह है कि खवातीन बहुत कुछ कर सकती है, और ये जितने भी रोल है अभी हमने जो फंक्शन आपने यहाँ पढ़ लिखे हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन ऐसा नहीं है जिसमें आपका किरदार ना हो, आपके किरदारों के बगैर यूनियन काउंसिल चल ही नहीं सकती, अगर खवातीन की वहां नुमाइंदगी है ना तो इसके बगैर, और कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें कोई ये ना कहे जी ये खवातीन का किरदार नहीं है, ये सारे रोल जो अगर वो जो हमारे मेन हजरात ने जो परफॉर्म करना है वो हम खवातीन ने भी करने हैं। तो इस चीजों से अब आपने बिल्कुल बेजार हो गए अपने ड्यूटीज पे निकलना है, इलेक्शन हो इलेक्शन में आए, कोशिश करें जनरल इलेक्शन में भी है ना, तो अगर जो सीटें उनमें जरूर आए और ये रोल आप अपने प्ले करें। अच्छा जी अब उसके बाद क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट और फाइनेंसिंग प्रायोरिटीज। अब सबसे पहले हमने अपनी ये जो तमाम अफाल है वो अच्छा अंजाम देने, अब उसमें हमने मालियाती तरजीहात, कल भी हमने बात की ना कि हमारे पास एक बजट है, महसूस बजट है, ठीक है, अब हमने उसको खर्च करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी तरजीहात का, और जो हम तरजीहात का तय्यून करेंगे ना वो उसी उस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि जो सूबाई सूबाई हुकूमत और जिली हुकूमत ने जो तरजीहात तय किए उसी के मुताबिक में वो हमारी होंगी। अच्छा सबसे पहले हम अपने देखेंगे कि हमारी जो वसूलियों के जो जो जराए हैं ना वो कौन कौन से हैं। एक तो वो जराए हमारे जो यूनियन काउंसिल की अपनी वसूली है वो टैक्सेस और फीसों की शक्ल में, ठीक है, वो हमारी आ जाती है। दूसरा हमें जो सूबाई ग्रांट मिलती है, ठीक हो गया। तीसरी
मतलब अगर कोई मतलब फेडरल फेडरल की तरफ से भी अगर कोई आ जाए, जैसे हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट, अब ये अथॉरिटी तो जिला लेवल पे है ना, ये सिर्फ मेट्रो कॉर्पोरेशन के अंडर में वो नहीं आती है, पूरे जिले के जिले अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसकी इधर अगर कोई मसले मसाले होंगे तो जो जिला लेवल पे जो लोग बैठे हैं ना, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह, हम उनको जाके उनसे बात करेंगे। अच्छा, अब क्या है कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई इस मद में भी कोई फंड उनके पास आता है, फिर जो कल हमने बात की कि हमें दीगर वसाइल से भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, जैसे हमारी को कंपेन्स है हमने चलानी है, तो वो कोई अदारा बैन अवी अदारा है, कहते हैं स्पोक यूनिसेफ कह देता है जी आजकल जैसे स्मोक है, तो मतलब स्मोक से एहतियात के लिए हम एक कंपेन चलाना चाहते हैं यूसी की सतह पे, तो फंडिंग हम करेंगे। जी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इस तरह से भी आ जाते हैं, वो भी पैसे हमारे पास आ जाते हैं। तो अच्छा, अब क्या है कि हमने अपने उन फाइनेंस जो है ना, हमने प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमने अपने जो मालियाती वसाइल उनकी एलोकेशन हमने किस तरह से करनी है। अच्छा, अब वो फैक्टर है, सबसे पहले वही बात, अब हमने पैसा खर्च करना है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं बजट बजट तो बाद बनेगा, उससे पहले तो हम अपनी जरूरत, हाँ जी, इन चीजों को देखेंगे कि ज्यादा जरूरत कहाँ पे है, ज्यादा जरूरत कहाँ पे, हम अपनी नीड असेस करेंगे कि जी हमारी जरूरियात क्या है, फिर उनमें से फिर हम अपनी जरूरियात को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक जो सबसे है, पहले उनको उनकी तरजीहात वाइज उनका तय करेंगे कि हमने किन पे किस तरह से खर्च करना है। तो सबसे पहले हम अपनी जरूरी नीड असेसमेंट करेंगे, ठीक है, कि कम्युनिटी की नीड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बीमार अगर सड़क अगर टूटी फूटी है, खड्डे पड़े हुए हैं, अब उस सड़क से उधर आपने ट्रेवल भी करना है, उधर से पेशेंट ने भी गुजरना है, उधर से बच्चों ने भी गुजरना है, और जब वो बारिशें होती हैं तो जो खड्डे वाली सड़क है सबसे खस्ता हाल हो सबसे जाती है, वो ट्रेवल वहां पे बड़ा मुश्किल है, अगर उसको फोकस करने की जरूरत है उससे करेंगे। पहले हाँ जी, उसको अगर किसी जगह पानी आलूदा आ रहा है, करेंगे वहां पे कुछ फ्लड शलड आया था, पानी आलूदा हो गया है, जिसकी वजह से कॉलरा हैजा वगैरह की बीमारी बहुत फैली जा रही है, उसे क्या यूएलटीज हो रही है, मतलब डेथ हो रही है उसकी वजह से, तो इन चीजों को फोकस करने की जरूरत है। वो पता नहीं, मुझे सुबह उठी हूँ तो मतलब ये काफी आजकल होती ऐसी है, है, नहीं गर्म पानी से पता नहीं क्या। डाल लो, हाँ, ले ले वहां मैं वो ले रही हूँ पे साथ साथ के लिए ही। हो तो अच्छा, जाएगा। पहले हम अपनी नीड असेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद रिसोर्स कंस्ट्रेन, कि अब हम अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, जो हमारे ओन रिसोर्सेज हैं, जब हमने अपनी चीजों को प्लान नीड नीड को असेस कर लिया, नीड असेस हो गई कि हमने अपनी इन चीजों को देखना है, बीमारी है, बीमारी की रोकथाम के लिए हमने साफ पानी की सप्लाई करनी है, या हमने टूटा हुआ अगर रोड है, खड्डे हैं, लोगों को ट्रेवल के बड़े मसले हैं, हमने उसको फोकस करना है, जो भी बनवाना है। फिर हम अपने वसाइल जो देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे वसाइल है वो कौन कौन से हमारे अपने वसाइल है, सूबे की तरफ से हमें जो मिला है, या कोई और हमारे पास कोई ग्रांट आई हुई है, ठीक है, तो उन उधर से फिर हम उनकी फंड की हम एलोकेशन करेंगे कि इतने में हमारा ये जो मंसूबा है, एक सड़क बनवानी है जी, उसमें 50 लाख रुपया उस पर खर्च होना है, ठीक है, तो हमारे पास जो अपने वसूलियां ग्रांट्स हैं, हमने उसी में से जो है ना बजट एलोकेशन करनी है। अच्छा जी, अब हम कम्युनिटी कम्युनिटी को हम इंगेज करेंगे, उनकी पार्टिसिपेशन, वो जो हम अपनी तरजीहात का तय करना है ना, अब हम सलाह मशवरा कम्युनिटी से भी करेंगे कि अब हमने अपने जो वसाइल के एलोकेशन है वो किस तरह से करें और किन बुनियादों पर करें। अब अगर कम्युनिटी ज्यादा जोर देती है, नहीं जी ये जो बीमारी फैल रही है कॉलरा, सड़क तो जैसे हम गुजारा हो रहा है, ये जो और हैजे की वजह से जो जानों का ज्या हो रहा है, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो पहले इस चीज को देखा जाए, तो फिर वो जो क्या होगी, हमारी जो फंड की डायरेक्शन जो होगी ना, उस तरफ हो जाएगी कि हमने साफ पानी मुहैया करना है, और उस प्रोजेक्ट पे हमारा फिर उस वो मुहैया करने के लिए हमारी कितनी कुल लागत आएगी, फिर हम वो अपना हिसाब किताब लगाएंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद होता है कि जो डेवलपमेंट प्लान्स होंगे, वही बात मैंने जैसा हमने पहले की, कि जो हमारे जो प्लान उसी तरह से होंगे कि जो हमारी सूबाई
सुबाई गवर्नमेंट के साथ, सुबाई गवर्नमेंट जो हमारे एक उन्होंने एक एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो उन्होंने गाइडलाइन तय किए हैं, ये सारी प्लानिंग हमारी उसके मुताबिक में ये होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, शिना जो हमने अपात के लिए बजट बिल्कुल बिल्कुल ये हाँ उसका यूज कर रहे होते हैं जब अपात के लिए एक बजट रखा हुआ है ना, जो तो अच्छा अब ये चीजों में कभी कमी पेशी हो जाती है, ठीक है, कभी हमारे लिए मे भी के वो बजट पूरा ना हो, लेकिन हम देखें हम एक मसला है उसे हमने एक कम्युनिटी नीड है, हमने उसको जरूर पूरा करना है। ठीक हो गया। अच्छा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही चीजें आ जाए। अब हम देख रहे हैं जी हमारे पार्क जो वीरान पड़े हैं वो बिल्कुल जंगल बने हुए हैं, उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, कब्रस्तान है उधर रेनोवेशन की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत सारा इम्प्रूव होने वाला है तो हम उन्हें भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है जरूरी, वो तो हम एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि किस तरह से अपनी नीड असेसमेंट होनी है, किस तरह से हमने प्लान करना है कि किस, और उसके बाद हमने वहां पर बजट एलोकेशन करनी है। ठीक है, ये एक प्रोसेस को क्या नाम है चलाने के लिए हम इन चीजों को कोड कर रहे हैं, वरना करने के लिए तुम्हारे पास बड़ा काम है, कितना कुछ आपने लिखा और कितना कुछ आपने देखा। अच्छा जी, अब जो सिटीजन एंगेजमेंट है ना, फिर बार बार देखिए वो बात आ रही है कि हर काम में सिटीजन एंगेजमेंट है, नीड असेसमेंट में भी कि हमने हमने अपने वसाइल कहाँ इस्तेमाल करने हैं, फिर वसाइल का जो इस्तेमाल करना है उसमें भी सिटीजन एंगेज है, ठीक है, और वो वसाइल की जो एलोकेशन करनी है उसमें भी कम्युनिटी जो है हमारी इंगेज है, सिटीजन इंगेजमेंट हर जगह पे। अच्छा अब क्या जी प्रिंसिपल कुछ असूल है सिटीजन इंगेजमेंट के डेवलपमेंट प्लानिंग में, अब हम उस अपनी जो तरक्याती जो मनसूबा साजी करते हैं, ठीक है, अब वो कहते हैं जी पार्टिसिपेटरी, बिल्कुल पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, उसमें हर तरह के ग्रुप के लोग शामिल हों। अब उसमें सिर्फ देखें हमने कल बात की थी आइन, आइन में कोई कहीं शहरी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कहीं नहीं कहा गया मर्द औरत ट्रांसजेंडर बच्चे बूढ़े वो सारे शहरी हैं, ठीक है, तो जब इस तरह की कंसल्टेशन हो एक मनसूबा साथी में, जब आवाम की शिरकत की बात हो तो उसमें तमाम ग्रुप्स के तमाम तबकात के लोग, स्पेशली महरूम तबकात के लोग भी, और महरूम तबकात में कौन कौन से लोग हैं नरगिस बताएं। जेंडर जो होते हैं वो भी हैं, बहुत से ऐसे लोग जैसे ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे रोजाना मांगने के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं, नहीं वो एक और अलग बात होगी, लेकिन हम उनकी दोबारा में देख रहे हैं उनकी उनकी भी मांगें दाद करवाई है। अच्छा बीमार लोग होते हैं ये सारे लोग और मिनोरिटी तो ये सारे उसमें शामिल होंगे, ये सारे शामिल होंगे, वो प्लान करेंगे कि हमने अपना जो तरक्याती मनसूबा है वो किस तरह से हमने तैयार करना है, हमारी नीड क्या है। फर्ज करें ना मिनोरिटी मिनोरिटी को कुछ अपने तरह के कुछ और जो अक्सर हमारे मिनोरिटी लोकैलिटीज को क्या नाम है एरिया के सारे में जैसे यूहन्नाबाद है, अब ये सारे इलाके में अकलीती लोग रहते हैं, शादी है मेरे पास आए थे। चले ये एक और बात है, हम ये बजट साजी की बात करने लगे हैं, वो एक चले आपने की एक और बात है, अब देखो यूहन्नाबाद है एक इलाका है, ठीक है, अब मैं जो बात करने लगी हम तो तरक्याती कामों के हवाले से देखने लगे हैं ना, अब वहां सारी मिनोरिटी रहती है, मिनोरिटी के लोग हैं, अब यूहन्नाबाद में कोई सड़क और तीन चार गलियां इस तरह की बहुत हस्ता हाली का शिकार हो गई है, यूहन्नाबाद के इलाके में पीने का साफ पानी नहीं है जिससे वो सारी कम्युनिटी जो है ना डिस्टर्ब है, तो जब इस तरह की मीटिंग्स होती है ना उसमें जो यूहन्नाबाद का हाशी एरिया के लोग हैं, जी जी वहाँ पे एक नाला भी है, सुन ले प्लानिंग के वक्त हम मिनोरिटीज को भी आमतौर पे भूल जाते हैं। मेरे पास ये शुमाइला शांति नगर से हर जगह के स्कूल जो है वो मैट्रिक से हायर सेकेंडरी हो गए लेकिन शांति नगर का नहीं हुआ, तो ये प्लानिंग के वक्त ना हम आमतौर पे ऐसे एरियाज को शायद मुझे तो ऐसे लगता है कि खास तौर पर ही इग्नोर कर देंगे,
और हमारा उसके पीछे जो दिमाग होता है मैं अपने इलाके की बात, वो अपने इलाके की बात कर, वो ये कहते हैं कि शायद किस कम्युनिटी ने कौन सा पढ़ना। अच्छा अभी हमने इनके एरिया की एप्लीकेशन मूव की है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ह्यूमन राइट्स कमीशन को, और इसी हवाले से तो इस तरह की जो प्लानिंग है ना उसमें हम मिनोरिटीज के हवाले से, हमारे पास एक और एग्जाम्पल शेयर करूंगी। एक सड़क बननी थी और उसमें सड़क की मंजूरी होगी बिल्कुल, और उसमें ये ना देखा गया कि इसके साथ इनका मिशन हॉस्पिटल और स्कूल दोनों मुतासिर होंगे, सिक्योरिटी वाइज भी मुतासिर होंगे। जबकि वो सड़क थोड़े से फासले से अगर जाती तो ये लोग भी अपने आप को स्केयर फील करते हैं बिल्कुल, और वो इशू ना हो बिल्कुल। अब हमारे यहाँ क्योंकि शांति नगर का वाकया हुआ है तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो आम तौर पे जैसे अब क्रिसमस है 15 दिन वो सड़क बंद होगी। देखे ना, एक कैंडल सड़क होने की वजह से सिक्योरिटी का खर्चा भी बड़ा बिल्कुल और सब चीजें, और अगर वो उनकी इमारतों के दरमियान में से ना गुजरती और बाकी भी रस्ते, लेकिन वो बाकी पॉलिटिकल फैमिलीज के घर थे उनको मुतासिर ना किया और यहाँ से सड़क कर। बाद दफा प्लानिंग में इस तरह के मसाइल आते हैं जिन्हें वो अगर हम उस एनेक्स से ना देखें ना कि जनरल लेंस के बगैर जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, और फिर सबसे बड़ा अलमिया ये होता है जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम ट्रांसजेंडर से कहाँ मशवरा लेते हैं, हम PWD से कहाँ मशवरा लेते हैं, हम इनको कहाँ तक नुमाइंदगी देते। तो बात ये है कि पहले जो बात होती थी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चले, आईन ने तो कह दिया फर्द की बात, लेकिन बहुत अरसे बाद ये कहना पड़ा कि फर्द से मुराद कौन कौन है। बिल्कुल देखे ना, ये क्लियर करना पड़ा तो कुछ हिस्सों में डेवलपमेंट और प्लानिंग नजर आनी शुरू। अच्छा, अब ये हैं हमारे वो गैप्स, ये वो गैप्स हैं, पर जिस जब ये वो गैप आ जाता ना, देखें इन्हीं की बात को हम लेकर चलते हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कुछ असूल हैं सिटीजन को इंगेजमेंट इंगेज करने के, और हम कल से भी ये देखें हम अपने लॉ को डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कम्युनिटी की शराकत के बगैर हो, उनकी शिरकत हर जगह लाजमी है। मशावरती इजलास होनी है, उनकी कंसल्टेशन से प्लानिंग होनी है, उनकी कंसल्टेशन से नीड असेसमेंट होनी है। तो जब ये नीड असेस इस तरह की जो मशावरती इजलास होंगे, जब उसमें अभी हम बात कर रहे हैं ना कि हर तबके की नुमाइंदगी होगी, स्पेशली महरूम तबके जिसकी अब वो बात कर रही थी, महरूम तबके की नुमाइंदगी होगी, तो अब देखिये उसमें वो मसाइल उनकी तरफ से भी आएंगे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से, कुछ सड़कों के इंक्रोचमेंट या सड़कों की डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम यूहन्नाबाद को हम डिस्कस कर रहे थे। अब अगर इस मीटिंग में यूहन्नाबाद के लोग होंगे तो वो आपका क्या हाल है कि वो बात नहीं करेंगे, वो भी कहेंगे कि हमारा इलाका, तो ये है कि जब प्लानिंग हो तो इसमें उसको तरजीह दी जाए कि वो हमारी अकलीतों जो अकलीती इलाका है, लोकैलिटी है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है तो उस पर भी प्लानिंग की जाए, उस पर प्लान तैयार किए जाए। इसी तरह इसमें खवातीन होगी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज होगी, उनके जो मुतलका जो मसाइल होंगे, ठीक है, हम बार बार जिक्र करें तरजीहात का तयन, तो अब तरजीह बुनियादों पे हमने उन चीजों को भी देखना है जिसे हमारी जो मार्जिनलाइज क्लास है, वो डिप्राइव्ड क्लास भी अगर किसी वजह से इफेक्ट हो रही है, उनको भी देखा जाए, और इसके साथ साथ उनको भी कौमी दायरे में लाने के लिए जरूरी है कि हम उनके लिए भी कोई ऐसी तरक्याती स्कीमें बनाएं ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, उनके जिस तरह अभी हम खवातीन के हवाले से बात कर रहे थे कि खवातीन को मजबूत करने के लिए, उनको कौमी दायरे में लाने के लिए उनके लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट के को काम शुरू होने चाहिए, खवातीन एजुकेट हों, स्किल डेवलपमेंट उनके हाथों में एक स्किल आए जिससे वो अपना अपने मुल्क की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर सके। ठीक है, तो इस तरह की जो मशावरती इजलास होंगे उसमें हर तबके के लोगों की नुमाइंदगी जरूरी है, वो बुलाए जो मुतलका हेड होगा उस काउंसिल का, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी कम्युनिटी से, अपने यूनियन काउंसिल से, अपने इलाके से तमाम लोगों कम्युनिटी जो है उनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाए। अच्छा, दूसरी बात वही जेंडर इक्विटी भी इसमें बहुत जरूरी, वही बात है कि तमाम तबके के लोग इसमें शामिल होंगे, और अगर इसमें मेल भी है फीमेल भी है, अगर लूजर है तो दोनों है, अगर कोई
चीज का किसी को फायदा आ रहा था वो सबको हो रहा है, ये बात है। तो मशावरती इजलासों में ये जरूरी है, डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए जरूरी है। सबसे अहम बात उसमें हर तबका का लोग जो है उसमें उनकी शमूलियत लाजमी है। अच्छा जी, अब आते ये फिर वही बात कि अब जो इसमें बैठ के इन इजलासों में बैठ के जो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है और डेवलपमेंट प्लानिंग जो करेंगे, अब ये प्लानिंग उसी कॉन्टेक्स्ट में होगी जो सूबाई और जिली हुकूमत ने जो प्रायोरिटी जो तरजीहत तय की हुई है उसके मुताबिक में होगी। अब उसके मुताबिक में कैसे होगी कि जब बजट बनता है ना, बजट बनाने के लिए बजट कॉल लेटर इदारों को जारी किया जाता है, तो उनमें उनके साथ एक एनुअल डेवलपमेंट प्लान उसकी गाइडलाइन भी दी जाती है, ठीक है, और साथ एक फॉर्मेट होता है वो भी उन्होंने अदारों ने फिल करना आता है, ठीक है। उनको एक गाइडलाइन दी जाती है कि आपने वो गाइडलाइन है कि आपने अपना प्लान किस तरह से तैयार करना है, और एक साथ प्रोफॉर्मा उन्होंने उसको फिल करना है, उसमें वो सारा कुछ लिखना है, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब वो जो हमारी तरजीहात का जो तयन होगा ना, वो उस एनुअल डेवलपमेंट प्लान की जो गाइडलाइन होगी ना, जो सूबाई और जरी हुकूमत की तरफ से जो जारी ने जो बनाया हुआ है, जो गाइडलाइन उन्होंने तय की है, उसकी मुताबिकत में वो सारी प्लानिंग होगी, ठीक है, कि इसमें इतना फंड होगा, इसमें ये एलोकेशन होगी, ये प्रोजेक्ट आपका साल डेढ़ साल का होना चाहिए। तो जो भी उन्होंने उसमें हदायत दी हुई है वो सारी उसमें फॉलो होगी। अच्छा, उसके बाद आता है जी, हाँ जी, ये दोनों हमने वो कहा। अच्छा, फिर उसके साथ और ये प्रोजेक्ट जो होगा उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कितनी देर में ये खत्म होगा, टाइम फ्रेम तो जरूरी है ना उसमें बताना, टाइम फ्रेम क्या होगा, और टाइमली वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान जो है वो बना के वो टाइमली उसको अदारे को सबमिट करना जरूरी है, सबमिट किया जाएगा, उसमें सारा शेड्यूल होगा, और फाइनली जो बजट प्रपोजल और जो बजट एलोकेशन है, बजट अवेलेबल है, वो सारी चीजें उसमें लिख जाएंगे। इतना बजट है, ये हमारा प्लान है, ये हमारे वसाइल हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, इसकी मुताबिकत में जो हम अपनी जो नीड है वो हम अपनी पूरी करेंगे, ठीक है, और उस नीड को पूरा करने के लिए वो जो तरक्याती मनसूबा जो हमने बनाना है वो बनाया जाएगा, और उसके मुताबिक में जो हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। अच्छा जी, अब जो है ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेशन विद सिटीजन आइडेंटिफाइंग कंसर्न। अच्छा, फिर वही बात कि अब वो कंसल्टेशन हम करेंगे सिटीजन के साथ, अब वो कैसे होंगी कि हम अपने स्टेक होल्डर के साथ करेंगे, और उसमें देखेंगे कि जो हमने फैसले किए हैं, ठीक है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ना, अब हम देखेंगे कि जो हमने फैसले किए हैं उनमें उससे कितने लोग मुतासर हो रहे हैं, मुतासर से मुराद कितने लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक हो गया, कितने लोग जो है कितने लोगों का उस फैसलों के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ है, इन्फ्लुएंस आ गया। अच्छा, कौन जो हमने तय किया कौन, फिर उसमें कुछ देखा जाएगा। अच्छा, स्टेक होल्डर्स की भी कैटेगरी होती है, होगी कि किसमें कितने लोग जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए, कुछ लोग जरा डिले करना चाह रहे, उनकी सोच कुछ और है। तो स्टेक होल्डर जो होता है ना, कभी भी एक साथ अगर हम तमाम स्टेक होल्डर एक वक्त में एक ही बात सोचे, ये जरा मुश्किल होता है। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बात हुई, वो भी इसमें आ जाती है, और जो जो हुकूमत के अपने जो स्टांस होते हैं, ठीक है, तरक्याती स्कीमों के हवाले से वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना नीड असेसमेंट, ठीक है, नीड असेसमेंट इसीलिए की जाती है कि कितने लोग मुतासरीन है, एक मसला जो है ना वो क्या, जो हम काम करेंगे, जो हम तरक्याती काम करेंगे उससे कितने लोगों को फायदा होगा, ठीक है, और कितने लोग रह जाएंगे जिनको फायदा नहीं होगा, ठीक है, फिर उसमें देखा जाएगा। अब फिर अब वो काम करना है तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए और जल्द अज जल्द होना चाहिए, और वो जो इंटरेस्टेड होते हैं वो जाहिर सी बात है वो उनके वो गवर्नमेंट को असिस्ट करेंगे, वो उनके साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना, चाहे अब वो चाहे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हो, अब सीसीबी भी अगर कोई काम कोई डेवलपमेंट, अब उन्होंने भी तो यही काम करना होता ना जो मुकामी हुकूमतों की ने अफार सारे अंजाम देने हैं, ठीक है, उन्होंने भी वो सीसीबी जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट लेंगे, वो गली बड़े कुछ लोगों, मैंने सीसीबी को एक दो को मैं जानती हूँ कि उन्होंने
अपने इलाकों में गलियां जो हैं वो उन्होंने अपनी बनवाई हुई है। अच्छा, किसी ने अपने वो जो थे, जब गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, तो एक बंदे ने अपने गांव में कुछ इस तरह का वो बना लिया, कुछ चूल्हे वगैरह लोगों को वो प्रोवाइड किए थे कि उसमें गैस की यूटिलाइजेशन के बगैर उसमें मतलब वो थोड़ा सा कोई लकड़ी पता नहीं कोई गोबर का इस्तेमाल भी था, तो उन्होंने इस तरह के बनाए कि अगर गोबर से गैस नहीं, हाँ सॉरी गोबर से वो गैस बनाने का उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि अगर गैस नहीं भी है तो इस तरह से भी वो प्रोड्यूस की जा सकती है और चूल्हे गैस के बगैर भी आप अपना खाना चाना बना सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने कहा, और वो काम किस लिए किए जाते हैं, सारे आवाम की सहूलियात के, आवाम को इलाके की सहूलियात के लिए किए जाते हैं। जैसे सड़क बनती है तो इफेक्टिव भी होती है, कोई सड़क बनती है तो इफेक्टिव भी होती है ना, छोटी मैं आपको एक मिसाल लेती हूँ, ये जो फ्लाई ओवर बनते हैं, आपकी मेट्रो ट्रेन बनी है, अच्छा अब जब ये और ये अभी भी फ्लाई ओवर जो बन रहे हैं, अब उसमें देखिए एक कम्युनिटी है जिसको बहुत फायदा हो रहा है, अब जब किसके नुकसान भी हो रहा है, अब वो नुकसान जो हो रहा है वो क्या है, जो इर्द गिर्द जिनके कारोबार है, कारोबार है उन्होंने, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनकी वो दुकानें खाली करवा रही है, जिनके घर है वो मैं आधे आधे घर भी टूटे हुए हमने देखे हैं। तो हम देखे कि अगर एक कम्युनिटी को फायदा हो रहा है तो एक कम्युनिटी को दूसरी सेंस में नुकसान भी हो रहा है, उनके कई सालों से चलते हुए कारोबार यहाँ से उठा लिए गए, किसी का घर आ रहा है दरमियान में, कोई सर्वे भी तो नहीं करता ना, सर्वे सेंस में कि एक चीज बन गई है, बाद में चेक किया जाए कि इससे कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोगों को इससे सहूलत नहीं मिली इस चीज में, लेकिन आप बता दे कुछ हाँ जी, अब लाइफ जा रही है ना, तो अब ये होता है वो देखते हैं कि ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होंगे, आप देखें शाहदरा से लेकर गजू मदा तक मेट्रो चल रही है, अब देखे ना हम सब की जिन्होंने इसको यूज किया, तुम ऑब्जर्वेशन है, अब देखिए खवातीन ठोस ठोस के उसमें खड़ी है, कभी रास्ते बगैर आपने ये देखी, अब 30 रुपए में, 30 रुपए में आप शाहदरा से लेके गज्जू मदा का सफर तय कर रहे हैं, शाल मार्केट है, पाकिस्तान की समझ में बड़ा मार्केट है, इसमें मेजोरिटी जो ट्रेडर्स हैं सारे सब ट्रेन से आते हैं, गाड़ियां की कम हो गई, फ्यूल कम हो गया और अब देखो ना इसमें ये देखा, अच्छा अब ये है वो कंपनसेट गवर्नमेंट उनको करती है जिनके नुकसान होते हैं ना, कंपनसेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन अब जैसे वो कहते हैं ना कि एक एक वो जगह उनकी होती है कारोबार चलने की, कि लोगों का ये रसाई वहां तक ज्यादा हो गई होती है, जो ही वो शिफ्ट करते हैं शिनाज, उसमें तो रसाई कम हो जाती है ना, कि मालिक कोई और दुकान का था, कारोबार कोई और बंदा कर रहा था, मालिक को तो पैसे मिल गए जिनका कारोबार था, कारोबार हो गया, गवर्नमेंट की भी जगह होती है जो लोगों ने की होती है, अच्छा, सब जगहों पे हमने ऐसा भी देखा इंक्रोचमेंट की अगर बात की जाए ना, इंक्रोचमेंट, अच्छा अच्छा ओ सॉरी, अच्छा जी अब हम आते हैं ये, अब एक असल में पता क्या, ये लोकल गवर्नमेंट हमारा है बड़ा वास्ट टॉपिक, इस पे ये हम सुबह से शाम तक भी लगे रहे ना, तो हम अपनी वो जो लोगों की पार्टिसिपेशन है उसे बाहर ना निकले, इलेक्शन ना होने की वजह से ना वो सारा बर्डन आप पे आ जाता है, और बड़ा इंटरेस्टेड होता है इस तरह की बहस जीतने हमें टाइम का पता नहीं चलता, तो अब ये मसाइल तो है कि कुछ लोग, हाँ जी कुछ लोग इससे ज्यादा इसमें बेनिफिशियरी होते हैं, लेकिन एक छोटा तबका मुतासरीन में से भी होता है, ठीक है, अब फिर कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि जी ये काम होना चाहिए, डेवलपमेंट का काम है होना चाहिए, हमारे इलाके में बेहतर रहेगी, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो उसकी फेवर में नहीं भी होते, हालांकि उसमें ना उनका नफा होता है ना नुकसान होता, लेकिन कहते हैं नहीं बस उनका काम ही नुकताचीनी करना, नहीं देखा ही जाता है फायदा किसको ज्यादा किसको, लेकिन हमने वो पहले भी शुरू किया, अच्छा जी अब एक अहम टॉपिक है हमारा, ये हम ना इसको इसी तरह से करते हैं, अच्छा सामाजिक जवाबदेही, अब सामाजिक जवाबदेही क्या होती है, सामाजिक जवाबदेही क्या होगी, सोशल अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, सोशल अकाउंटेबिलिटी,
अकाउंटेबिलिटी, चलो आपको जवाब नहीं सर जो थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैडम आप बताएं सामाजिक जवाबदेही ये सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। उससे आप देखिए जो पैसा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका एहतसाब जवाबदेह, दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं हमारे देहातों में तो अगले गिरबान पकड़ लेते हैं अभी साढ़े पैसे लाए कितने। अच्छा अभी भी चेयरमैन और ये सब जवाबदेह होते हैं, जवाबदेही का अमल। हाँ जवाब। अच्छा क्यों ये जवाबदेही का अमल किन्होंने देना होता है, जिनको जो अथोराइट है जिनको अथॉरिटी है पैसा। अब मुझे तो अथॉरिटी नहीं है ना कि मैं कोई वसायल एलोकेट कर या मैं हुकूमती हुकूमत से किसी से चीज लेके ठीक है उसके वसायल का मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरे से अगर पूछे तुमने पैसा लगाया मैं मुझे कुछ पता ही नहीं कहाँ गया। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो बनाए होते हैं नैब और ये सब हम लोग जो है ना वो बेनिफिशियरी तो है उसमें लेकिन हम अकाउंटेबिलिटी में नहीं आते क्योंकि हमारे डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं आता। पैसा जो हम एप्लीकेशन देते हैं हमारी स्कीमें जो होती हैं उनका पैसा जो होता है वो उस डिपार्टमेंट में चला जाता है तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी नहीं होती। अच्छा बात पता क्या है अगर बहसीत नुमाइंदा अब देखे ना एक आम बंदा वोटर है ठीक है जिसने आपको वोट दिया ना उसने आके बात किससे पहले करनी है वो हमसे लेकिन ये उसका तरफ अब इससे नहीं ठीक है। अब जिनके हम अकाउंटेबिलिटी की बात करने लगे हैं ना अब ये वो अदारे हैं ये वो अदारे हैं जो वसाइल का इस्तेमाल करते हैं उन अदारों की बात होने लगी है ठीक है। ये गवर्नमेंट के जो अदारे हैं जिनके पास वसाइल जाते हैं आप देखें ना एक अदारे को का टास्क दिए उसको गाड़ी भी दी गई ठीक है उसको उसको बड़ा अच्छा ऑफिस भी सेटअप करके दिया कि जी लोगों ने आपके पास आना है आपने लोगों के मसाइल सुनने हैं उनके हल करने हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया कंप्यूटर भी दे दिया स्टाफ भी दिया गया पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ ठीक है। अब लोग बैठे हुए हैं ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे ना जो सड़कें गलियां बनवाने वाले अदारे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट अदारे जो है अब हम उनके पास जाते हैं हम उन्हें कहेंगे कि भाई हमें बताएं कि जो मेरे इलाके में जो एक नाला ही बांध रहे हैं तो मेरा तो इतना बनता है ना मैं उसे जाके पूछू जी बताएं उस पर कितना बजट एलोकेट हुआ कितना स्पेंड हो रहा है ठीक है। तो अब ये उस अदारे की जिम्मेदारी है कि वो हमें वो तमाम मालूम दे ठीक है वो पाबंद है कानून ने उसे पाबंद किया हुआ है और अगर वो नहीं देता तो जारी सी बात है वो अपने उस कानून की खिलाफ वर्जी करता है बहसीत शहरी ये हमारा राइट है। अच्छा अब वो जैसे हम कल से ये बात कर रहे हैं कि मुकामी हुकूमत वही है कि ये जो हमारे डोर स्टेप है जो हमारे वो जो हमें सहूलियात मिलने की जो बात है ना अब इसमें शहरी इन्वॉल्व है तो वो जो कम्युनिटी है जिन जिनकी जिनकी डेवलपमेंट के लिए जो मनसूबे बनाए गए हैं तो उन मनसूबा जात के ऊपर हमने कल बहुत सी एग्जांपल यहाँ डिस्कस की कि कम्युनिटी के लोग जब अपने इलाके में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा था या कोई भी डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है वो चलते फिरते अपनी चीजों को वो देख रहे होते हैं कि काम किस तरह से होता है वो तो हमारी तरह के अच्छा जी खुश होके वैसे ही गुजर जाते कुछ कहते हैं अच्छा। अब देखे जो तजर्बाकार लोग हैं वो कहते हैं जी उसमें पाइप किस तरह के डलवाए जा रहे हैं उसमें सरिया किस तरह का यूज हो रहा है उसमें ईंट किस तरह की लग रही है सीमेंट कितना रेट के किस तनाजर में वो लगा रहे हैं वो यहाँ तक सारी चीजें चेक करते हैं क्वालिटी को चेक करते हैं जो काम हो रहा है क्वालिटेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा जी अब ये होता है कि ये जो हमारे अदारे हैं जहाँ जो वसाइल का इस्तेमाल करते हैं वसाइलों के पास आते हैं वसाइल का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने खिदमत सर अंजाम देनी होती है ठीक है। वसाइलों के पास आगे और उन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अवाम की खिदमत सर अंजाम देनी होती है ये लोग जो है ये अपनी अवाम को जवाबदेह होते हैं ठीक है। और ये हमारा बहसीत शहरी हमारा आईनी हक है वो जो हमने कल 19A की बात की थी ना आर्टिकल 19A हमारा आर्टिकल 19A ये हमें राइट देता है कि हम किसी भी पब्लिक अदारे में जाके पब्लिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सपोज हम म्यूनिसपैलिटी के ऑफिस में जाके ये जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अदारे में हम जाते हैं
तो हम जाकर उनसे पूछते हैं, हाँ जी, कि आप हमारी इवनिंग काउंसिल में वेस्ट मैन वेस्ट को उठाने वाले कितना स्टाफ है, कितनी गाड़ियां आपने अरेंज की हुई है, ठीक है, और वो हमें इस चीज के जवाबदेह होते हैं कि उन्होंने हमें इस चीज का जवाब देना है। फिर हम जाएंगे, चले जाते अपने किसी दूसरे अदारे की तरफ, ठीक है, कि जिसका काम अवाम को अवामी खिदमत सर अंजाम देना होता है, सपोज वासा की तरफ चले जाते हैं, तो उनको जाके हम कहते हैं भाई आपको वो जो पानी की जो सप्लाई है वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, तो हमें हमें इसका हिसाब दे, मसाइल आपको आप गवर्नमेंट से आप ले रहे हैं, तनख्वाह भी सारा कुछ आपको मिल रहा है, तो आप हमें बताएं आप कितने इलाके हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई के को नए मनसूबा ज्यादा आपने स्टार्ट किए हुए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम उनसे लेने ले सकते हैं और वो हमें देने के पाबंद है। अच्छा, अब इससे क्या होता है जब इस तरह की हम अकाउंटेबिलिटी का, समाजी अकाउंटेबिलिटी का जब अमल शुरू होता है, जब अदारे जवाबदेह हो जाते हैं, हम जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो इस ये किस चीज को मजबूत करती है, ये चीज जो है एग्जैक्टली इससे क्या होगा, बोलते जाए शफाफियत, शफाफियत बढ़ेगी और काम भी अच्छे तरीके से होगा, म्यारी काम होगा, लेकिन मैडम वो देते नहीं, आवाज नहीं आ रही जी मैडम, मैडम देते नहीं है इस एक्ट पे कोई भी अमल, असल में ना मैडम बहुत डिसपॉइंट हुई हुई है, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मैंने हर फोरम पे, मैं एक एग्जांपल फिर देती हूँ, मैं सिर्फ आपसे एग्जांपल इसलिए शेयर कर रही हूँ बाकी लोगों को, मेरे इलाके में 1.5 करोड़ के एक दिन में ट्रैफिक के इशारे डीसी साहब लगा के चले। अच्छा, मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को लिखा, मैंने वफाकी मुहतसिब को, सूबाई मुहतसिब को लिखा, मैंने ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा, हर जगह पे निशान देंगे, जिस सतह से मुझे आज तक वो इन्फॉर्मेशन ना, और वो ट्रैफिक के इशारे चले और उसमें वादा तौर पे लिखा, इसे आप डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं कि हमने, मैं अपनी नजर में देखती हूँ कि हम चीजों को महसूस करते हैं और उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं अपनी तरफ से, जरूर अपनी तरफ से करते रहना भी चाहिए। और मैंने पता नहीं इसके लिए कितनी मेल्स की है, तो वो कहते हैं कि जी मैडम कहीं पे भी नहीं दे रहे तो आप हमें क्या कहें, एग्जाम्पल है तो मैं तो नेट पे भी देखती हूँ कि इंफॉर्मेशन कितने इदारों ने फ्राहम की, तो वो डेटा भी बहुत कम है, बहुत कम है और नहीं देते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अभी हमने ना हम एक आपकी बैक पे आपकी पूरी एनजीओ खड़ी है, उनकी बैक पे क्या है, आप कहती हैं ना कि मैंने लिया क्या, आप नहीं 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 मैं आपको बताऊंगा ना, वो ये नहीं कि अदारे पे प्रेशर से देना है, अभी जो एग्जांपल मैं कोट करने आपसे कल भी मैंने शेयर की थी कि हमारे एक हल्का तालुकाती ग्रुप हमने बनाए, कुशहरियों के ग्रुप थे, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हाईलाइट करते थे। अच्छा, उनमें एक बंदा जब उसको ये राइट इन्फॉर्मेशन हमने ट्रेनिंग की, उसको इनका पता कि मैं हम इदारों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अब एक हमारे एक हल्के का बंदा, उसने के हल्के में एक नाला बन रहा था, अच्छा उसका काम चल रहा था, तो उसने उसे ख्याल आया कि मैं इसके बारे में मालूम बोर्ड, अच्छा उसने क्या किया जी, अब उसे ये भी पता था कि मैंने किस इदारे में जाया, वो एप्लीकेशन लेके ना ये वाली राइट टू इन्फॉर्मेशन की, कि जी इस एक्ट के तहत मुझे ये मालूम जो है वो दी जाए कि ये जो नाला बन रहा है इस पर कितना, इसकी कितनी लागत है और इस पर आपका कितना खर्चा हो चुका है, असल में वो ये देखना चाह रहा था कि कितने इस पे के लिए कितना बजट मुतय्यन हुआ है, क्योंकि शायद उसको वो ये काम वो रुक गया था, वो मसले हो गए थे, तो वो देखना चाहता पैसा कितना इसमें और आपका कितना लग चुका है, पता चले कि गबला कहाँ हो रहा है, बाल करप्शन कहाँ हो रही है, जल्दी कितना ताकि वो वापस आए, और फिर बाकी बस इस क्यों कम्प्लीट करके ना, मैं बस आगे इसके टूल्स में नहीं जाएंगे, वो बाद में हम कर लेंगे, वो फटाफट कर लेंगे, ठीक। अच्छा, वो डिप्टी कमिश्नर उसको मुतलका अदारे में भेज दिया कि जी मुतलका अदारे में चले जाओ, अब वो अकेला आदमी गया है, कोई अदारा नहीं है। अच्छा, और ये आप ही ले सकती है, मैं सीधे एक शहरी, आप ये भी ले सकती है, मैडम नसीम भी ले सकती है,
इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। अब मैं बता दूं उस एप्लीकेशन का इतना असर होता है, वो अदारे ने तो कॉपरेट नहीं किया, आज मैं शायद उन्होंने भेज दिया। अब वो जब दोबारा डिप्टी कमिश्नर के पास आया ना, तो डिप्टी कमिश्नर भी हिचकिचाहट करने लगे कि ये बंदा मेरे पास ना आए। इसी तरह हम एक सर्वे का सीएमबीए का सीपीडीआई इस्लामाबाद की ऑर्गेनाइजेशन है पिंडी की, बजट मेकिंग प्रोसेस जो जिले का जो बजट बनता है ना उसको हम मॉनिटर करने का वो काम के मैंने बड़ा उसमें किया। कल हमारी कंसल्टेशन थी सियालकोट में, मैंने अपने कुलेग को भेजा, मैंने गई, वो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। उसमें हम क्या करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन दी एक हमारे पास हानेवाल में एक हमारी वहां की ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वो जो थे ना उस वक्त, अभी ये जो अब तो चीफ ऑफिसर है ना, उस वक्त थे ईडीओ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, कुछ हिस्सा से था ईडीओ फाइनेंस एंड प्लानिंग, एप्लीकेशन दी इस लॉ के तहत। उन्होंने कहा जी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं आपसे शेयर करनी कि हमने अपना बजट कैसे बनाया, कितने एस्टिमेट एक्सपेंडिचर कितने हुए, कितने अखराजात है, कितनी वसूलियां, हमने नहीं आपको कुछ बताना। अच्छा, अब उसकी शिकायत उन्होंने आगे उसके खिलाफ शिकायत हुई कि जी इस बंदे ने, क्योंकि 14 दिन के अंदर अंदर इस लॉ में 14 दिन के अंदर वो अदारा पाबंद है इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे। अच्छा, उसने नहीं की तो उस ईडीओ जो है ना वो वहां से सस्पेंड हो गए थे, उनके खिलाफ एक्शन हो गया। क्या आपने वो इन्फॉर्मेशन इनको क्यों प्रोवाइड नहीं किया? तो इससे एक तो शफाफियत बढ़ती है, एक काम अच्छे होते हैं, ठीक है, जैसा आप बता रहे थे काम ऐसे तरीके से होता है, ठीक है, और जो हमने अपनी प्रायोरिटी सेट की होती है, नीड जिसके लिए हमने वो काम कर रहे हैं, वो हमारा टारगेट मीट होता है, उसमें जमहूरियत मजबूत होती है, जमहूरियत का फरोग मिलता है, ठीक है, और इसमें शफाफियत बढ़ती है, लोगों पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, ये सारे काम। और सबसे एंड पे ये बात आती है कि उसमें जो जमहूरियत है, जो असल माने हैं जमहूरियत के, उसको फरोग मिलता है, और लोगों को जो उनकी जो सहूलियात है, जो डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए, वो उनको वो इस फॉर्म में मिलती है। सब इश्यूज हमारे सामने आएंगे कि वहाँ करप्शन हो रही है, वहां पे मतलब मिसमैनेजमेंट है, वहां पर लोगों को मालूमात नहीं दी जा रही, तो इस तरह के इश्यूज है ना वो वहां से हमें हाईलाइट होंगे। अच्छा, उसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये तो हमारा फर्ज है, ये हमारी हमारी बहसीत शहरी, ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा आईनी हक है, ठीक है, कि हम किसी भी पब्लिक अदारे से जाकर इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं, ठीक हो गया, और अदारे पाबंद है कि हमें वो मालूम दे। उसके बाद जी एडवोकेसी कैनवास मल्टी एक्टर पार्टनरशिप, अब ये होता है कि ये जो एडवोकेसी कैनवास है, इसमें यह है कि हमें इसकी प्रोसेस है कि जिसमें हम अपनी कोई एडवोकेसी एक मुहिम या कोई सरगर्मियां वो बड़े ऐसे तरीके से हम जो है वो प्लान कर सकते हैं। और ये जो है ना मल्टी मल्टी एक्टर, उसमें ये होता है गवर्नमेंट कम्युनिटी, ठीक है, और पब्लिक प्राइवेट जो प्राइवेट इदारे हैं, ये मिलकर एक गोल को अचीव करने के लिए मिलकर ये काम करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कंपेन टूल आ गया ऑन। अब कंपेन जो मुख्तलिफ तरीकों से होती है, अब उसमें ऑनलाइन कंपेन भी शामिल है, ऑनलाइन एडवोकेसी। अब होता है ना कि किसी सोशल मीडिया पर इस तरह की मुहिमात बड़ी चलती है, लोगों से वोट मांग रहे होते हैं कि इसको वोट करें, तो ये होता है कि उसमें अगर हम चाहते हैं कि एक इलाके का, सो हमने यूहन्नाबाद एक ले लिया कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां का निजाम धर्म पड़ा है, हम चाहते हैं कि वहां पर इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि शांतरा का मोड़ पे जो पूर्व पहले नहीं था ट्रैफिक, कितनी ब्लॉकेज लगाती होती थी, तो लोगों को, और मैंने देखा कि बाकी जो अड्डे से जो गाड़ी निकलती थी, अब वो जो बड़े कोर्ट से तो जब नीचे आराम से उतर आते थे शाहजरा मोड़ आके, पौना पौना घंटा, और अमामिया कलोनी फाटक पार करने था इंजीनियर ने घंटा डेढ़ घंटा टाइम दे लगता था। अच्छा, अब क्या था इस मसले को हमने सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिया, ऑनलाइन एडवोकेसी की शुरू की, जी ये मसला इस पर काम होना चाहिए, फिर क्या लोग उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा लोगों तक जाती है। अब उसके बाद लॉबिंग, लॉबिंग जो है ना, अच्छा लॉबिंग और एडवोकेसी, लॉबिंग और एडवोकेसी, लॉबिंग जो होती है इन्हें भी किसी, इसका मतलब होता है हमें किसी को कायल करना है, लॉबिंग जो होता है अपने हमने कायल करना है, और इसका टारगेट जो होता है वो पॉलिसी मेकर होते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकर, कपड़े चार यूज कर दी, पॉलिसी मेकर जो होते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकर को इन्होंने कायल करना होता है कि जो आप पॉलिसी बना रहे हैं ना
वो इस तरह की हो, अब उन्होंने कार्य करना है कि पॉलिसी जो बना रहे हैं इस तरह की हो जिससे अवाम की अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिसीज आपकी होनी चाहिए। अच्छा आप जान, ये लॉबी और एडवोकेसी में क्या फर्क है? लॉबी और एडवोकेसी गाइड करना। अच्छा देखिए एडवोकेसी का मतलब यही है, हमने भी बात की ना सोशल मीडिया कैंपेन एडवोकेसी, ऑनलाइन एडवोकेसी का उसमें भी है एक ग्रुप होता है जिसने काम करना है तो वो आप उस पर प्रेशर डाल आपने काम करना है कोई एक लोगों के मुख्तलिफ लोगों का ग्रुप बन जाता है, प्रेशर डालते हैं उस चीज पे काम लॉबी। अब आ गया लॉबी में भी हम कायल करते हैं एडवोकेसी, जैसे एडवोकेसी किसको कहते हैं, एडवोकेसी क्या है? तो जो हम आम रूटीन में सिंपल से वर्ड है एडवोकेसी, इस तरह से कहते हैं कोई मैसेज हम लोग अपना कोई एक क्या उसको कहेंगे बात बात दूसरों के मुंह में, हाँ दलाइल के, बिल्कुल ऐसे दलाइल के साथ किसी हम बात को बोलते हैं, मैं सामना कर देंगे टाइम शॉर्ट है और ना हम लंबी गुफ्तगू करते हैं। अब एडवोकेसी को गौर से सुनें करते हैं, हम गायल ही हैं लेकिन दोनों एक तरीके से, उसमें ये होता है कि एडवोकेसी में एक मसले का हल लेकर, ठीक है, एक मसले के हल के लिए आवाज उठाना, उसकी तशहीर करना, और वो मसला हमने किसकी आवाज किसके पास उठानी है, एक अथॉरिटी की तरफ, मुतलका अथॉरिटी के की तरफ जाना उसको लेके, ताकि वो उस मसले का उस मसले को हल कर दे। अब हल हमने मसला ऐसे नहीं कराना जी हमारे एरिया में जो है ना साफ पानी का निजाम नहीं है, ये तो एक मसला है हमने उनसे शेयर किया, हमने उनको कह रहा जाके यदि हमारे यूनियन काउंसिल 64 में इतनी पॉपुलेशन है और हमें वहां पर साफ पानी की फराहमी चाहिए, हमें हमने उनको मसले का हल बताना है और उस पे अमल दरामद करवाना है और उस अथॉरिटी के पास लेकर जाना है जिसके पास उसका हल है, जो स्टैंड ले सकता है, दिस इज कॉल्ड एडवोकेसी। अच्छा अब ये जो लॉबी होती है ना ये भी किसी को कायल करना ही होता है, लेकिन अब ये भी कायल कैसे आप करेंगे, ये नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। अच्छा अब इसमें क्या है, इसमें अथॉरिटी की जरूरत नहीं, अब देखो ना हम ग्रुप बैठना है आपस में, हम लॉबी कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं ठीक है कि मिल जाते हैं तो क्या नाम है जी फलां को हमने वोट देना, फलां को नहीं देना, तो वो कहते हैं जी फलां ने लॉबिंग शुरू कर दी है, तो दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दी है, ये मिलाना इस नजर में होता है। और एडवोकेसी होता है उसमें भी होता है कि आप लोगों को साथ लेके चलते हैं लेकिन आप उस मसले के हाल के लिए आवाज जो उठाई जाती है उसकी जो तशहीर की तशहीर करना और आवाज उठाई जाती है मुतलका अथॉरिटी के पास, जिसमें अथॉरिटी सामने आ जाए वो होगी हमारी एडवोकेसी। समझ आ रही? अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है जब हमने सेशन वाइंड अप करा ना इधर से हर दूसरा बता देना बारी बारी से। अच्छा जी प्लानिंग एंड टू, अच्छा उसके बाद हमारी है सबसे पहले ये तो हमारा मूड हो गया। अच्छा उसके बाद ही हम आते हैं प्लानिंग टूर की तरफ, इसमें हमने प्लानिंग करनी है के, अच्छा प्लानिंग टू सोशल अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या होंगे कि हमने सबसे पहले अपने स्टेक होल्डर देखना, स्टेक होल्डर्स किस तरह के, फिर उसके बाद हमने अपना सोशल नेटवर्किंग चेक करनी है कि मतलब स्टेक होल्डर इंडिविजुअल है ग्रुप में है और इनमें से कितने स्टेक होल्डर हैं जो मतलब हमारे साथ होंगे, उनका कोई इंटरेस्ट है, कुछ होंगे पीछे हट जाएंगे या किसी का नुकसान होगा, ये सारी चीजें।
अच्छा होता है सोशल नेटवर्किंग नहीं है कि हम अपना ग्रुप तो सोसाइटी में बड़े होते हैं लेकिन हम अपना वो ग्रुप देखें जो इंटरेस्ट ग्रुप है हम उसे अपने साथ मिलाएंगे कि जिसको जो जिस काज के लिए हम समाजी जवाबदेही को फरोग दे रहे हैं जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लेने वाला ग्रुप हाँ जी वाकई काम होना चाहिए और हम आपके साथ है इसमें भी होगा। अच्छा फिर प्रॉब्लम ट्री, ये प्रॉब्लम ट्री बकायदा एक वो स्ट्रक्चर है वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम ट्री, अच्छा आप देखें वो है जी कोलरा एक इलाका है वहां पे हैजे की वबा फैली शुरू हो गई। सबसे पहले अब देखें जब मसला शुरू होता है ना सबसे पहले हम उसकी वजूहात देखेंगे वजह क्या है ये मसला हुआ कैसे। ऐसे होता है ना एक्सीडेंट माफ कर एक्सीडेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई तो हम कहते हैं कैसे हुआ। ठीक है जब मसला पैदा होता है ना तो अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है कैसे हुआ। अच्छा आप देखें उसके तीन वजूहात है, तीन इलाके हैं, किसी जगह टॉयलेट जो है वो मतलब खुली है कोई प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है। एक जगह ऐसा है कि जहाँ पे फ्लड आया था ठीक है तो फ्लड की वजह से पानी जो है ना वो अलुदा हो चुका है फिजा अलुदा हो चुकी है ठीक है। और एक और जगह अच्छा और या वहां पे पानी का जो पुअर पानी या एक जगह फ्लड भी आया दूसरी जगह तो पानी का जो मेंटेन रखने का जो निजाम है वो ठीक है टैंकियों से पानी आता तो वो गंदा पानी घरों में आता तो वो ही पिए जा रहे हैं। अच्छा अब उसकी वजह इनकी वजह से क्या हुआ कि ओपन टॉयलेट की वजह से क्या इसका मतलब यह है कि पुअर सैनिटेशन सिस्टम है ठीक है। जहाँ फ्लड आ गया था वहां पानी आलूदा हो चुका है और वो अच्छा तीसरे के लोग हैं कि कुछ हमारे आबादियां ऐसी भी हैं जहाँ लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हिफ्जान सेहत के असूल क्या है तो कैसे सफाई सुथराई का हमने इंतजाम रखा है या गुर्बत बड़ी है गरीब लोग हैं कहीं से भी पकड़ के कुछ भी खा लिया या वो जो खाने पीने का जो सामान है वो सारी सवादा जितने पैसे होंगे उन्होंने उसमें मैनेज करना है लो स्टैंडर्ड तो वो चीजें खरीदेंगे। अच्छा वो खाना खाएंगे वो रेडियो से भी खा लेंगे अक्सर नान टिक्कियां बिक रही होती है पता नहीं क्या कुछ बिक रहा था वो भी लेंगे खाएंगे। अच्छा ये सारी वजूहत बन गई उस हैजे की ये हैजा हो गया लोगों को अब वो हैजे की वजह से लोग सारी सी बातें बीमारी बहुत बढ़ गई है कुछ मरने लगे हैं कुछ लोग अस्पतालों में जाना मरीज बनना शुरू हो गए हैं। अब ये तवज्जो तलब मसला है कि ये इसको हमने कंट्रोल करना है। अभी हम देखें कि हमने पहले भी हम बीमारियों की बात करते रहे हैं कि पानी साफ ना होने की वजह से इलाके में मसाइल पैदा हो गए। अच्छा जी अब वो जो कॉलरा आया और उसके कैजुअलिटीज बढ़ गई तो उसकी वजह से फिर आगे क्या चीजें क्या इफेक्ट हुए कि इंक्रीज डिमांड ऑन हेल्थ सर्विसेज कि अब जो है तो सर्विसेज है ना उसको बढ़ाया जाए ताकि उस बीमारी को कंट्रोल किया जाए और वो जो कैजुअलिटीज हो रही हैं उनको कम की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद और दूसरा जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी सर्विसेज जो है वो ज्यादा बेहतर की जाए इम्प्रूव की जाए ताकि जो बीमार लोग वहाँ आ रहे हैं वहां पे ना डेड बॉडीज लोग ना लेके जाए सेहत याब होकर घरों को जाए। अच्छा तो उसकी वजह से फिर क्या होगा रिड्यूस प्रोडक्टिविटी जो हमारा प्रोडक्टिविटी का जो प्रोसेस है जारी सी बात उससे भी थोड़ा सा उस पे भी असर आता है उसकी वजह से कि वो भी जरा कम होगा। तो आप देखेंगे नीचे की तरफ फोकल मेन मसला ऊपर है नीचे उसके काजीज हैं और उस मसले की वजह से क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके इफेक्ट क्या नतीजे उसके क्या निकल रहे हैं वो ऊपर है। अच्छा जी अब ये जी हमारे कुछ कम्युनिकेशन टूल्स हैं जो सिटीजन एनजीओ और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ हमने किस तरह से कम्युनिकेट करना है ठीक हो गया। अब ये हाँ जी हमारे टारगेटिंग टूल्स है उसमें राइटिंग डॉक्यूमेंट्री वही लॉबिंग मीडिया एंगेजमेंट। अब मीडिया एंगेजमेंट की बात ये बहुत अहम है कि जहां पे एक तो हो गया पॉलिसी कि जो पॉलिसी जो बना रहे हैं उनको अपनी रिकमेंडेशन हम देनी है कि जी आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें हमारी तजावीज को भी शामिल करें ताकि पॉलिसी जो होती है ना वो पब्लिक फ्रेंडली। लॉबी कि उसमें डिसीजन मेकर जो होता है ना वो ही उसमें मतलब अब लॉबी है कि हमने उनको कायल करना है कि जो आप रूल रेगुलेशन बना रहे हैं जो पॉलिसीज बन रही हैं उसमें उनको इस तरह से बनाया जाए कि उसमें जैसे पब्लिक फ्रेंडली वो पॉलिसीज हो। अच्छा मीडिया एंगेजमेंट
अब मीडिया एंगेजमेंट है कि इसमें भी आप जो है वो क्या नाम है रेडियो टीवी जो भी इस पे इश्तेहार भी आ सकते हैं, सोशल मीडिया का भी इसमें इस्तेमाल, अपने प्रेस भेज दी जा सकती है कि जी ये इस तरह के मसाइल हैं, ठीक है, और उनका उनका ये हाल है और उन पे काम होने की जरूरत है, ठीक है, इसमें सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, उसमें बेहतरी लाई जाए। अच्छा, उसके बाद मॉनिटरिंग टूल है। अब देखें जब एक प्रोजेक्ट जो है ना काम जब होते हैं फिर अगर सबसे पहले वो देखा जाता है जब प्रोजेक्ट प्लान होता है ना, आपका ये शाहदरा का फ्लाईओवर प्लान हुआ, मेट्रो मेट्रो चले, अब तो वो है लोग फायदा उठा रहे हैं, नहीं कोई नहीं अब ये हमारा खत्म होने वाला है। अच्छा, उसमें क्या है ये जो आउटकम की हम बात करेंगे, मेट्रो प्लान जब क्या हो रहा था ना तो जहाँ देखा जा रहा था कितने लोगों को फायदा होगा कितने को नुकसान होगा, अब इसके एक ऑब्जेक्टिव थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों को सहूलियात देना, सफरी सहूलियात देना, फिर उसका एक आउटकम तय होता है प्रोजेक्ट का जिसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं कि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिशरी रहेंगे, ठीक हो गया। तो अब क्या है कि फिर जब काम खत्म हो जाता है फिर उसका आउटकम रहता है और आउटकम जो है वो चलता रहता है फॉर एवर रहता है, ठीक। अभी हमने जैसे बिया लीडर में हमारा ये प्रोजेक्ट था, अभी जो हमारा ये 15 गोवाइंडा को हमें रिसेंटली हमने ट्रेनिंग करवाई पॉलिटिकल पोलिंग एजेंसी, अब हमारा उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हवादीन में लीडरशिप डेवलप की जाए, लेकिन जो अच्छा लीडरशिप डेवलप की जाए और वो हवादीन इतनी स्ट्रेंथ हो जाए कि मजीद आगे लोगों को जो है वो हवादीन पॉलिटिकल वर्कर्स अपने राइट्स से वेल अवेयर हो जाए, ठीक है, ये वेल अवेयर हो जाए, फिर उसके बाद हमने नीचे उसके ऑब्जेक्टिव बनाया कि जी उनको लीडरशिप डेवलप की जाए, उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन करवाई जाए, इस तरह की चीजें, उन्हें अपने इलाके के जो गवर्नर से मुतल का मसाइल है उनका पता होना चाहिए, ये हमने फिर सब कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव उनके बनाए। तो जब ये प्रोजेक्ट खत्म होते हैं फिर उनके आउटकम देखे जाते हैं कि वो जो उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट है वो बेनिफिट है उसके साथ किस लेवल तक गए हैं। तो अब देखेंगे सर जो हमारी मेट्रो ट्रेन बनी है वो ना सिर्फ शाहदरा गजुमता में लाहौर के मैक्सिमम लोग उससे फैसिलिटेट हो रहे हैं, वो फिर वो सर्विस डिलीवरी चेक लिस्ट है, अब जिस तरह वो चेक लिस्ट है फिर हाँ या ना में हम करते कि जी ये चीजें प्रोग्राम बना था प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ कितने ये इतनी सर्विसेज पहुंचाई गई, तो यहाँ पे ये इंटरव्यू ले गए, इंटरव्यू के जरिए जो है ना ये सारी चीजें जो है वो फिल करेंगे, एंड पे जो उसमें अपनी वो रिकमेंडेशन जो होगी वो भी जो फिल करने वाला है इंटरव्यूअर्स होगा सर्वेयर जो होगा वो भी अपनी उसमें फॉर्म अपनी रिकमेंडेशन इसमें ऐड करेगा। अच्छा, कम्युनिकेशन फॉर सोशल चेंज, अब कम्युनिकेशन का जो अंदाज आप कहते हैं कि अब इसको फोकस किया गया कि ये जो खास तौर पर उन इलाकों के लोग जिसमें हम कहते हैं थोड़े से बैकवर्ड से कि वहाँ लोग जो है वो अपने आप को अपग्रेड करें, उनकी में स्किल डेवलपमेंट आए ताकि उनको पता चले कि उन्होंने कम्युनिकेट किस तरह से करना है, एक माशरे में एक समाज का जो बदलाव लाने के लिए ये चीजें बड़ी अहम होती हैं कि हमारे कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने की जो स्किल है वो हमारी डेवलप होनी चाहिए ताकि और ये जो कम्युनिकेशन हमारी स्किल्स हैं ये एक माशी तब्दीली लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा जी, आप जी ये एक डेवलपमेंट एक फ्रेमवर्क है, असल में ये है कि जो अदारे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और लॉ एनफोर्समेंट के जो अदारे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए और इसके साथ साथ उनकी कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो, उसमें कौन कौन से हैं, पुलिस डिपार्टमेंट सिक्योरिटी देती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना वो जुडिशरी है, और जो हमारी कंफ्लिक्ट जो हमारी रेजोल्यूशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल है जहाँ पे हमारे लड़ाई झगड़े इस तरह के जो मसाइल हैं वो काउंसिलें हल करती हैं, अब उन क्या इनकी कैपेसिटी मजबूत होने की जरूरत है और इसके साथ साथ इनका कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन जो है ना कोऑर्डिनेशन इनकी वो मजबूत होनी चाहिए इन अदारों की, क्योंकि वो जो हमारे अदारों और अवाम के दरमियान जो की जो फिजा कायम है ना ये खुद एक बहुत बड़ा मसला है, तो इन मसलों को दूर होने की जरूरत है। फिर इसमें मुख्तलिफ काम कुछ हमारे इस तरह के होंगे कि जो कुछ काम ऐसे कम्युनिटी के
वो कम्युनिटी लेड होंगे कि कम्युनिटी का वो काम दे दिए जाएंगे कि आप ही उसकी अथॉरिटी हैं, आपने इनको चलाना है और आपने इसके बारे में डिसीजन करना है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो कहते हैं, प्रोजेक्ट्स को कहते हैं ना, तो कम्युनिटी को अथॉरिटी दी जाती है। फिर इसमें एक सोशल ऑडिट है। अब सोशल ऑडिट हम कैसे होता है? अच्छा, फिर एक शेडो रिपोर्ट है। हाँ, सोशल ऑडिट को कि वो जो सरकारी अदारे हैं ना, वो किस तरह से अपना अपने वसाइल का इस्तेमाल वो किस तरह से कर रहे हैं, सरकारी इदारे अपने वसाइल का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो जो हमारे वो जो महरूम तबकात हैं, वो उनको कोई जॉब, उनकी कोई जॉब शॉप का या उनको कोई सहूलियात देने का, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए उनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। एक होती है शेडो रिपोर्ट। शेडो रिपोर्ट वो होती है, शेडो रिपोर्ट, अच्छा शेडो रिपोर्ट होती है कि जो सरकारी इदारों की, हुकूमती इदारों की जो कारकर्दगी है उस पर एक रिपोर्ट वो अदारे वो अपनी छाया करते हैं, लेकिन कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इदारा भी उनकी कारकर्दगी भी अपनी रिपोर्ट जो है ना वो पब्लिश करता है कि जो एक्चुअली हमारी, जैसे सपोज हमारे जिली एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपने कौन से फंक्शन किस तरह से अदा किए, जो उनके पास वसाइल की एलोकेशन किस तरह से की, कितने लोगों उन्होंने कितने तरक्याती काम किए, कितने लोग उसमें बेनिफिट हुआ, किस वो ना हुआ, ये सारी रिपोर्ट वो पब्लिश करती है। अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि एक सीएमबीए के नाम से नेटवर्क है, सिटीजन बजट नेटवर्क बना है अकाउंटेबिलिटी का। अब वो बजट मेकिंग प्रोसेस को देखा तो वो क्या करते हैं, हर साल अदारों में सूबाई सतह, सूबाई अदारों में एप्लीकेशन देते हैं कि हमें वो डेटा रिक्वायर्ड है, किसी जगह अदारे से एक्सपेंडिचर की डिटेल मांग रहे हैं, किसी जगह पे वो वसूलियों की डिटेल मांग रहे हैं, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किसी जगह वो पूछा जा रहा है कि जी आप महरूम तबके के लिए आपने कितना बजट एलोकेट किया, तो बहुत से पूरे पंजाब में उनका ये, बल्कि हर सूबे में उनका ये सर्वे है। अगर हम पंजाब की बात करें तो अगर 50 एप्लीकेशन भेजी है ना, तो जिनमें से सिर्फ 2 दिन का जवाब आता है। ये भी पूछा जाता है कि बजट बनाने से पहले आपने जो प्री कंसल्टेशन होती है वो आपने की है कि है कि नहीं की। तो बहुत से अदारे, बड़े कम अदारे हैं जो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी अदारे वो रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो आप वो भी अपनी इसके हवाले से अपनी एक रिपोर्ट जो है ना वो सालाना पब्लिश करते हैं, निकालते हैं कि इस अदारे ने मतलब किस हद तक वो रिस्पॉन्ड किया। तो वो मैं असल में लाना चाह रही थी तो मुझे याद ही नहीं उसको लेके आना। हाँ, बल्कि वो अगर वो सॉर्ट हुई तो मैं आपसे वो भी ग्रुप में शेयर करूंगी कि हमारे अदारों की ये जो कारकर्दगी है। अच्छा जी, अब हम ये था पूरा प्रोसेस था सोशल अकाउंटेबिलिटी का। अब हम आ रहे हैं जो हमारे वही बात कि जी हमारे जो पर्पस ऑब्जेक्ट, जो कंसल्टेशन फोरम जो हम अरेंज करते हैं, जो हम घर से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, उनके मकसद क्या होते हैं? उनका मकसद ये होता है कि जो फोरम का जी सबसे पहले क्या है कि लोगों की नीड आइडेंटिफाई होनी चाहिए, लोगों की नीड आइडेंटिफाई हो और उसमें जो लोगों के जो मसाइल आए, मसाइल आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करके जो एलोकेशन है मसाइल की वो एफएम तरीके से हो और आवाम की उसमें शिरकत हो और जो मुकामी हुकूमत है उसकी जो कानूनी हैसियत है वो बढ़ेगी। और अब क्योंकि ये जो फोरम होते हैं, ये जो अवामी नुमाइंदा भी, ये अवाम और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, तो वो जो एक मिसट्रस्ट की जो फिजा अवाम और हुकूमत के दरमियान ये जो पैदा हो जाता है ना, जिसे पर डिसअपॉइंटमेंट फैलती है, वो जो है कम करने में मदद करती है। अच्छा जी, आप आगे हैं, कंसल्टेशन फोरम के की एलिमेंट क्या है? कि सबसे पहली बात ये है कि ये जो फोरम है ना, ये सबके लिए होने चाहिए, यहाँ पर हर कोई जा सके, कि इस चीज इस फर्क के बगैर तो वो लोकेशन, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या लोकेशन है, वो इसमें पार्टिसिपेट करने के हल है भी कि नहीं। जैसे हमने बात की कि महरूम तबकात की जो नुमाइंदगी है इस तरह के फोरम में लाजमी है, वो हर कोई इसमें जाए। उसके बाद ये जो फोरम है पार्टिसिपेटरी हो, तमाम लोगों को कि वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो, कि हर कोई इतना फिजिबल इन्वायरमेंट हो वहां का, इतना अच्छा माहौल हो कि हर कोई अपना अपनी राय आजादाना वहां पे दे सके,
और किस किस्म का कोई उसमें एम्बेरसमेंट क्रिएट ना हो, और बड़ी जो वहां पे जो डायलॉग हो बड़े कंस्ट्रक्टिव किस्म के हों, कि उसमें के वो मतलब जिस मकसद के लिए वो फोरम बुलाया गया है वो मकसद वहां पे हासिल होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो फोरम है ये बड़े वेल स्ट्रक्चर्ड किस्म के होने चाहिए, ठीक है, लोगों को पहले से इतलाएं हो कि फलां टाइम पे हम ये फोरम अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें कोई इजलास लाने वाला हो, कमिटमेंट देने वाला हो और उसका एक टाइम फ्रेम हो, ठीक है, और लोगों को पहले से इस चीज की इतला हो, इतला जो है वो होनी चाहिए, और ये वेल प्लान्ड हो। और दूसरी बात ये है कल्चरल सेंसिटिव हो कि वहां पे तो बातचीत हो लोकैलिटी। अब देखिए ना, अच्छा हमने कल आपसे ये बात की कि हम बातचीत किस जुबान में करें, हम पंजाबी बोले कि उर्दू बोले, हमें उर्दू पंजाबी में बात करने में कोई मुजायका नहीं है, हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे जुबान, अब देखिए जब लोग आम कम्युनिटी के जब लोग शामिल होंगे, सारे पढ़े लिखे नहीं भी होते, तो अगर वहां पे बेहतर है कि अगर वहां पे अगर इलाकाई जुबान में वो फोरम जो है वो कंडक्ट हुए तो वो ज्यादा बेहतर है। सादा जुबान में अगर वो बातचीत वहां पे होगी तो उसमें वो भी बंदा पार्टिसिपेट करेगा जिसको उर्दू की इतनी ज्यादा समझ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि थोड़ा सा ये जो हमारे फोरम्स हैं इनका मैकेनिज्म या तरीकेकार जो ना इसको जरा मजबूत करने की जरूरत है। अब क्या है कि जो वहां पे फोरम में जो डिस्कशन हुई है, जो भी फैसले हुए हैं, जो वहां बातचीत हुई है वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उसके बकायदा जो मिनट लिए गए हैं उसकी समरी तैयार की जाए और वो भी पब्लिक होनी चाहिए, लोगों को जो फैसले हुए हैं उसके बारे में भी लोगों को मालूमात होनी चाहिए। और अगर कहीं मैं फर्ज करें किसी फोरम के मैंने शिरकत नहीं की, मुझे पता चला मेरे इलाके में एक फोरम हुआ है इस तरह का, तो मैं चाहूँ तो उसके डॉक्यूमेंट मैं लेना चाहती हूँ, तो मैं जाके मुतलका अदारे में कहूँगा जी मुझे इसका रिकॉर्ड मिलना चाहिए, वहाँ क्या फैसले हुए, तो वो डॉक्यूमेंट मुझे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके साथ साथ एक रेगुलर मतलब उसमें अपडेट हो। अच्छा, फिर इसके साथ साथ उसमें जो पब्लिक है पार्टिसिपेंट है उनका फीडबैक भी, अच्छा फिर उसके बाद उस पे बनना चाहिए कि कौन सा काम हम किस वक्त करेंगे। देखना वहां फैसले हुए हैं ना, फैसले हुए थे प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, अब वो प्रोजेक्ट कब चलेगा, ठीक है, किस इलाके में चलेगा, उसके एक्शन प्लान यही होता है ना, उसका जिम्मेदार कौन होगा। एक्टिविटी का अगर एक्शन प्लान बनाए तो बना लीजिए एक्टिविटी लाहौर में होगी, उसके पार्टिसिपेंट कौन होंगे, ऑर्गेनाइजर कौन है, उसमें कंडक्ट कौन करेंगे, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, तो ये सारी चीजें उसमें आती है एक्शन प्लान में। जब एक्शन प्लान बन जाते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात है, एक्शन प्लान बने और उसके प्लान का फॉलो अप जो है पार्टिसिपेंट जो है वो अपना फॉलो अप रखे कि जो एक्शन प्लान बनाया गया था उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही। फिर उसके बाद वो जो काम एक्शन पे वो अमल दरामद शुरू हो गया, फिर उसके बाद वही सबसे एंड पे क्या होता है उसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, फिर आप पार्टिसिपेंट से सिटीजन से उस पे फीडबैक लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक होता है एक फोरम, देखे ना एक फोरम कंसल्टेशन फोरम करवाने का मकसद क्या है, कंसल्टेशन फोरम कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, पार्टिसिपेटिंग लोगों की पार्टिसिपेशन, और उसके बाद क्या है उसमें जो डिसीजन हुआ है उस पर एक्शन प्लान तैयार हुआ, फिर उस एक्शन प्लान का फॉलो अप, तो एंड पे जाके जिस मकसद के लिए एक्शन प्लान बनाया गया उसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अच्छा जी, अब लोगों ये थोड़ा सा करते जरा कि आप जी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो हमारे लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, और स्किल डेवलपमेंट, देखें ये वही है जो चीजें हम पढ़ते चले आ रहे हैं, डिस्कस करते चले आ रहे हैं, कि उनकी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले इस बात पे होनी चाहिए कि वो जो उन्होंने कम्युनिटी कंसल्टेशन करनी है वो सारी वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, और वो इंक्लूसिव किस तरह से होने चाहिए, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होने चाहिए, महरूम तबका, तो इसके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। अच्छा जी, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा फिर उसके बाद
कंसल्टेशन फोरम जो है बस जी याद ही हमारी वो भी हम फटाफट करेंगे बाकी खांसी ना सबके स्टार्ट हो गई उसके बाद कंसल्टेशन जो है वो उसे ऑर्गेनाइज करनी आनी चाहिए किस तरह फोरम उसने अरेंज करने हैं उसके बाद अच्छा उसमें जो फोरम सुन ले मैडम जो फोरम ये नंबर से मतलब बात कर रहे हैं जो फोरम क्या नाम है ऑर्गेनाइज होंगे तो मुझे पता होना चाहिए लोकल आम लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप फोरम अरेंज कर रहे हैं वहां के लोगों से होने चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए इंक्लूसिव सारे लोगों की इंक्लूसिव संग्राह क्या है और मतलब उसमें यह है महरूम तबके क्योंकि मेल के कटवा के बैठ गए महरूम तबका जो पर्सन विद डिसेबिलिटी ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी यूथ वगैरह इन सब वहां शामिल होना जरूरी है कंसल्टेशन उसने ऑर्गेनाइज कैसे करनी है फिर उसमें उसने डिस्कस कैसे क्या करना है मतलब किस बात उसने डायलॉग करने है उसने वहां पर जो कंसल्टेशन बातचीत जो वहां पे होनी है वो उसने किस तरह से लेके उन नुमाइंदगारने चल रही है ठीक है ये सारी चीजों पे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी होगी आपको पता होगा तो फिर ही आप ये फॉरम करवा पाएंगे अच्छा जी फिर उसमें जो अच्छा दूसरी बात ये होती है कि कम्युनिकेशन टेक्निक जो है ये बहुत अहम है अब देखें आप एक जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं मैं आपसे बात मुहातिब कर रही हूँ बात कर रही हूँ मुहातिब हूँ मैं आपसे तो अब ये है कि मुझे इस तरह से बात करनी है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे मेरी बात सुने और जब तक मेरी बात खत्म ना हो मतलब उनके उनकी तवज्जो मेरे तक रहे उसके लिए मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरा बात करने का अंदाज मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और इसके साथ साथ जो मैंने बोलना है मेरा उस पर भी मुझे उसका पता ये सारी चीजें होंगी तभी हम इफेक्टिवली कोई इस तरह की कंसल्टेशन कोई इस तरह के मशावरती इजलास जो है बुला सकते हैं क्योंकि जब हमें पता ही नहीं और दूसरा हमें जब कन्वे करना नहीं आएगा लोगों को हम इंगेज कैसे करेंगे तो ये जो कम्युनिकेशन जो होती है ना ये बहुत सारी इंटरेक्शन होती है तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप फिर दूसरा जुबान का इस्तेमाल हम अपनी किस तरह से हम कम्युनिकेट करें हमारा वे क्या है ये तमाम चीजें जो है उसमें मैटर करती है और इस पर कैपेसिटी बिल्डिंग जो होती है वो होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन रोबस्ट फॉलो अप मैकेनिज्म जो है कि किस तरह से आपने मजबूत फॉलो अप जो करने हैं उनकी उनको किस तरह से मजबूत करना है जो हमने एक्शन प्लान में डिस्कस किया था फॉलो अप वहां पे बहुत जरूरी है तो ये चीजें हैं जिन पर ये जो हमारे अवामी नुमाइंदगान हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इन चीजों पे होनी चाहिए ज्यादा हमारा और मैंने एक स्पीच भी सुनी एक कैंडिडेट थे अब शायद उन्होंने कभी पब्लिक के सामने खड़े होकर कभी बात नहीं की उनको मुहाजर नहीं किया था वो बराए उम्मीदवार थे वो खड़े तो वो हो गए जब उन्होंने एक बड़ी गैदरिंग है उनको खिताब करना पड़ा उन्होंने थोड़ी सी बात की लेकिन उसके फौरन बाद उनको हार्ट अटैक हो गया हार्ट अटैक हो गया कि वो इतनी पब्लिक ये बड़ी बात होती है जब आप सामने अब देखें आपने प्रेजेंटेशन दी है और जिन जो बोले हैं आगे यहाँ पे उनको फील हुआ है कि जब हम यहाँ खड़े हुए हैं तो आगे हमें जो सुनने वाले हैं तो अभी आपका एक दफा एक्सपीरियंस हो गया तो जब आप बार बार करेंगे आपका कॉन्फिडेंस पूरी बूस्टअप हो जाएगा